नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल की दर ने विमान के ईंधन को पीछे छोड़ा। सरकारी याचिकाएं अब ई फाइलिंग के जरिए दाखिल की जाएंगी। बेलगाम में शीघ्र होगा गन्ना उत्पादक किसान सम्मेलन। मही समिति की ओर से 25 को भव्य मोर्चा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयादशमी उत्सव। कारतगा दांडिया प्रतियोगिता में इचलकरंजी का एमके डांस ग्रुप प्रथम। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। COVID-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831-243577 और 8884-121718। अब समाचार विस्तार से। तेल कंपनियों ने रविवार को लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के बाद सोमवार को ईंधन की कीमतों को स्थिर रखा। हालांकि दिल्ली और मुंबई समेत कई शहरों में ईंधन की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें एविएशन फ्यूल से 30% ज़्यादा बढ़ गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.67 रुपये प्रति लीटर है, जबकि दिल्ली में ये 105.84 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल की कीमत 102.52 रुपये प्रति लीटर है, जबकि दिल्ली में ये 94.57 रुपये है। दो पहिया और कारों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल की कीमत अब उस दर से 33% अधिक है जिस पर विमान ईंधन एयरलाइंस को बेचा जाता है। दिल्ली में ATF की कीमत 79 रुपये प्रति लीटर है। देश में सबसे महंगा ईंधन राजस्थान के सीमा शहर गंगानगर में मिलता है, जहां पेट्रोल की कीमत 117.86 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 105.95 रुपए प्रति लीटर है। सरकारी याचिकाएं अब ई फाइलिंग के जरिए दाखिल की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने सभी उच्च न्यायालयों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2022 से उच्च न्यायालयों में सरकार द्वारा दायर सभी याचिकाएं या मामले केवल ई फाइलिंग के माध्यम से जमा किए जाएंगे। इस दिन के बाद सरकार को किसी भी मामले में वास्तविक मामले पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, धनंजय चंद्रचूड़ ने हाईकोर्ट को जारी एक पत्र में कहा है। इसके अलावा राजस्व, कर, मध्यस्थता, वाणिज्यिक विवादों जैसे कुछ श्रेणी के मामलों के लिए 1 जनवरी से ई फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है। निचली अदालतों के फैसलों या आदेशों के खिलाफ याचिकाएं, अपील और पुनर्विचार याचिकाएं भी 1 जनवरी से ई फाइलिंग के जरिए जमा करनी होंगी। बेलगाम में शीघ्र होगा गन्ना उत्पादक किसान सम्मेलन। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन का 20वां गन्ना सम्मेलन 19 अक्टूबर को जयसिंहपुर में हो रहा है। यह एक मुश्त FRP के साथ किसानों के विभिन्न मुद्दों पर फैसला करेगी। उसके बाद कर्नाटक में किसानों के लाभ के लिए बेलगाम में चीनी आयुक्त कार्यालय के सामने एक गन्ना सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी ने घोषणा की। वो रविवार रात अक्कोल में स्वाभिमानी द्वारा आयोजित बैठक में बोल रहे थे। सदाशिव सदावर्ते कुर्सी पर थे। राजू शेट्टी ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने के भाव में अंतर है, लेकिन कर्नाटक के किसान अभी इससे नाराज नहीं है। सीमा पर महज चंद किलोमीटर की दूरी पर 500 रुपये प्रति टन का अंतर है। ये बढ़ी हुई दर भी स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की सफलता है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसान एकजुट होने पर 4000 रुपये प्रति टन तक प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जयसिंहपुर में गन्ना परिषद किसानों के हित में है। मई समिति की ओर से 25 को भव्य मोर्चा। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से 25 को शहर से भव्य मोर्चा निकाला जाएगा। इसी तरह इस संबंध में जिला प्रशासन से आगे कोई चर्चा नहीं की जाएगी। मई समिति की बैठक में व्यक्त किया गया। शहर में मई समिति की बैठक रविवार शाम रंगूभाई भोसले पैलेस में हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर समिति अध्यक्ष दीपक दलवी ने की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, 1 नवंबर को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाषियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति लगातार काम कर रही है। इसी तरह सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाषियों की आवाज को दबाने के लिए प्रशासन काफी मशक्कत कर रहा है। इस अन्याय के खिलाफ एक बार फिर जोरदार आवाज उठाने के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति एक बार फिर भव्य मोर्चा निकालने जा रहे है। उन्होंने इसमें बड़ी संख्या में नागरिकों से भाग लेने की अपील की। पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाले, महादेव पाटिल, पीयूष हवल, श्रीकांत कदम, रमा शिंदोलकर आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयादशमी उत्सव।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा रविवार को विजयदशमी उत्सव मनाया गया। बेलगाम शहर विभाग छावनी और कपिलेश्वर कॉलोनी सहित अन्य उपनगरों के स्वयंसेवकों के लिए लिंगराज कॉलेज मैदान में दशहरा मनाया गया। मानदेश नगर के महंत भवन में शिवाजी नगर, सदाशिव नगर और अन्य उपनगरों के स्वयंसेवकों के लिए और तिलकवाड़ी, अनगोल, वड़गांव, शाहपुर जैसे उपनगरों के संघ स्वयंसेवकों के लिए अनगोल में संत मीरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के मैदान में विजयदशमी समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान शस्त्र पूजन, शारीरिक प्रदर्शन, घोष, गणमान्य व्यक्तियों के व्याख्यान आदि का आयोजन किया गया। मानदेश नगर के महंत भवन में हुए कार्यक्रम में संत मीराशाला मैदान में हुए कार्यक्रम में विभाग के प्रशासक कृष्णानंद कामत और विभाग के प्रचारक ऋषिकेश बुद्धिजीवी बने। सामूहिक प्रार्थना के साथ समारोह का समापन हुआ। कारत का दांडिया प्रतियोगिता में इचलकरंजी का एमके डांस ग्रुप प्रथम। शरद नवरात्रि के अवसर पर कारतगा निपाने में भवानी महिला मंडल द्वारा आयोजित दांडिया प्रतियोगिता में इचलकरंजी के एमके डांस ग्रुप ने प्रथम पुरस्कार और ट्रॉफी हासिल की। प्रतियोगिता की अध्यक्षता पूर्व सांसद एवं बेलगाम जिला सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष रमेश कत्ती ने की। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। पूर्व सांसद रमेश कत्ती, गुरुदत्त चीनी के निर्देशक बालासाहेब पाटिल, सुमित्रा उगले, सुदीप सिंह उगले, राजू खिचड़े को रुपए के चेक मिले। उसके बाद प्रतियोगिता का उद्घाटन बालासाहेब पाटिल ने किया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 08312435777 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कारतगा पंचक्रोशी के जागरूक देवस्थान पीर बंगाली बाबा देवस्थान के विकास के लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और जल्दी काम शुरू होगा। सांसद अन्ना साहेब जोले ने कहा कि मस्जिद विकास से वंचित नहीं रहेंगे। वो देवस्थान समिति और ग्रामीण के विभिन्न मुद्दों पर कारतगा तालुका के निपानी में आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे। इस अवसर पर कारतगा ने सबसे पहले भाजपा और पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से सांसद अन्ना साहेब जोले को सम्मानित किया। साथ ही गाँव में मंदिरों, मठों और मस्जिदों को सम्मानित किया और विभिन्न मंदिरों के लिए धन की मंजूरी के लिए एक बयान दिया। श्रीपेवाड़ी में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन। निपानी नगर पालिका की पार्षद अनिता पाथाड़े के क्षेत्र में जतराड़ ग्राम पंचायत के श्रीपेवाड़ी क्षेत्र के हाल सिद्धनाथ नगर में भूमि पूजन एवं विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। जतराड़ ग्राम पंचायत हमेशा विकास में सबसे आगे रही है। ये बयान जतराड़ ग्राम पंचायत के अध्यक्ष रोहन भिसे ने मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। जतराड़ ग्राम पंचायत श्रीपेवाड़ी सीमा के हाल सिद्धनाथ नगर में नई सड़क का निर्माण कर रही है और गटारी ग्राम पंचायत द्वारा 15,50,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस मौके पर नगर सेवक अनिता पाटाड़े, पूर्व पार्षद दिलीप पाथाड़े, ग्राम पंचायत अध्यक्ष रोहन भिवशे, नगर सेवक दत्ता नाईक, सोमनाथ शिंदे, शिवाजी रणमाले आदि ग्रामीण मौजूद थे। दुपहिया वाहन सवार युवक को पतंग के तेज धागे से जख्मी। रविवार शाम करीब 5:30 बजे कपिलेश्वर फ्लाईओवर पर पतंग के तेज धागे में फंस जाने से एक दुपहिया वाहन सवार घायल हो गया। घायल युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल की पहचान यल्लाप्पा भीमप्पा चतुर, उम्र 30, यरमल निवासी के रूप में हुई है। कपिलेश्वर फ्लाईओवर के पार बाइक चलाते समय मांझा उसके गर्दन पर फंस गया, इसलिए वो नीचे गिर गया। गति कम थी इसलिए मामूली चोटें आई। गुरुप्रसाद कॉलोनी में 7 लाख की चोरी। वड़गांव पुलिस ने अपार्टमेंट के एक बंद फ्लैट को तोड़कर 5 लाख रुपए नकद और 7 लाख रुपए के सोने के जेवरात चोरी करने का मामला दर्ज किया है। पवन कुमार जैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पवन कुमार जैन मंडोली रोड स्थित गुरुप्रसाद कॉलोनी में एक फ्लैट में अकेले है। वो शनिवार सुबह काम के सिलसिले में मुंबई गए थे। रविवार दोपहर जब वे फ्लैट पर पहुंचे तो फंदा टूटा हुआ दिखाई दिया। अंदर जाने पर पता चला कि अलमारी में 5 लाख रुपए नकद और जेवरात नहीं थे। वड़गांव पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा किया। ऑपरेशन सहायता के तहत शैक्षिक एवं खेल सामग्री का वितरण। ऑपरेशन सहायता के तहत धर्मार्थ संगठनों की ओर से चंदगढ़ जंगल के सुदूर काजिर ने धनगरवाड़ा में शैक्षिक और खेल सामग्री का वितरण किया गया।
दातेगांव में रयत फाउंडेशन के पावस्कर साहब के अथक प्रयास से हाल ही में नवरात्र के पावन अवसर पर काजिर ने धंगनवाड़ा और कालीबाड़ी धंगनवाड़ा के लिए दो सरकारी मिनी आंगनबाड़ी शुरू किए गए। स्कूल के शिक्षक संजय सामले ने ऑपरेशन के बारे में राहुल पाटिल, प्रशांत बिरजे और कैंटोनमेंट मराठी प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापक विक्टर फ्रांसिस को बताया। कंपास बॉक्स और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। वही ऑपरेशन हेल्प ने बच्चों के लिए ग्रीन बोर्ड, चौक बॉक्स, डस्टर, किताबें और फुटबॉल, वॉलीबॉल और हैंडबॉल मुहैया कराया। श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में संतरे की विशेष सजावट। यहाँ के श्री दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर को हर सोमवार को विभिन्न फलों और सामग्रियों से सजाया जाता है। सोमवार 18 तारीख को 701 संतरे और मीठे संतरे से विशेष सजावट की गई। सजावट वेदांत बिच्छू ने की। इस स्थान पर सजावट देखने के लिए भक्त एकत्रित हुए थे। मंदिर के सेवक सचिन आनंदाचे और ओमकार पोटे ने इस सजावट को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। इस अभिनव पहल की विशेष रूप से सराहना की गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।